घनसाली में किशोर को निवाला बनाने वाला नरभक्षी गुलदार ढेर कर दिया गया। बता दें कि 2 सप्ताह बाद शूटरों को आदमखोर गुलदार को ढेर करने में सफलता मिली है। आज शूटर गंभीर सिंह भंडारी और जय हुकेल ने कड़ी मशक्कत के बाद टिहरी के इस आदमखोर गुलदार को मार गिराया। गुलदार ने अगस्त में एक महिला को भी अपना शिकार बनाया था, लेकिन महिला गुलदार से बचने में कामयाब रही। बता दें भलगना प्रधान संगठन के अध्यक्ष दिनेश भजनियाल ने बताया कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए विभाग को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को देर शाम 12 वर्षीय अर्णव को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया था। ये घटना बाल गंगा रेंज के मैकोट गांव में हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। जनता के आक्रोश के बाद गुलदार को नराभक्षी घोषित किया गया। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। मुझे लगता है 4:45 बजे का समय था, तो उस समय इसको मारा गया। और ये था कि हमने इसको ट्रेस कर लिया था, क्योंकि देखिए आजकल सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि जिस इलाके में भी हम जाते हैं तो वहाँ पे गुलदार बहुत होते हैं, तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना जो है वो पहला काम होता है। और इसको हमको आइडेंटिफाई करने में कम से कम मुझे लगता है 1 हफ्ते का समय लगा होगा। हाँ, वहाँ पर उस घटनास्थल पे हम 28 तारीख को पहुँचे हैं और 29 तारीख को हमको आदेश प्राप्त हो गया था। वाइल्ड लाइफ का आदेश प्राप्त हो गया, वन विभाग का आदेश प्राप्त हो गया था। हमको ये आदेश हुआ था कि पहले तो इसको पिंजरे में कैद किया जाए, अगर पिंजरे में कैद नहीं हो पाता है तो इसको ट्रैंकलाइजर गन से बेहोश किया जाए। अगर ट्रैंकलाइजर गन से और पिंजरे में के अलावा भी बाहर आउट जाता है तो इसको शूट करने को हमको आदेश मिले हैं 29 तारीख से। गुलदारों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो ये आदमखोर हो गया था और विभाग ने, सरकार ने इसको आदमखोर घोषित कर दिया था, तो मुझे लगता है कि वाकई में ये जो इसकी चहलकदमियाँ थी वो 27 तारीख से दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये शादी विवाह में डीजे बज रहे थे, उसमें उसका भी इसके अंदर से डर हट गया था और लगातार देख रहा था कि ये गांव के अंदर मोहल्ले कस्बों में भटक रहा था।